समाजवादी पार्टी ने 159 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में अखिलेश यादव के साथ साथ पार्टी के कद्दावर नेताओं के भी नाम शामिल है। एसपी के इस लिस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एसपी की इस लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम है, जो करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में कई और कद्दावर नेताओं के नाम हैं, जिनमें अखिलेश यादव करहल सीट से लड़ेंगे, शिवपाल यादव जसवंत नगर, आजम खान रामपुर, अब्दुल आजम स्वार से, कमाल अख्तर कांट, धर्म सिंह सैनी नकुड़, आशु मलिक सहारनपुर देहात से और नाहिद हसन कैराना से लड़ते हुए नजर आएंगे। इस लिस्ट में कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफी अहम मानी जा रही थी, जिसमें सबसे अहम है कैराना, जहां से एसपी ने नाहिद हसन को ही टिकट दिया है। इसके अलावा सहारनपुर की नकुड़ सीट पर एसपी ने धर्म सिंह सैनी को प्रत्याशी बनाया है, जो बीजेपी छोड़कर एसपी में आए थे। एसपी की इस लिस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने लिखा कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही, लिस्ट नहीं है अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। एसपी की इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम ऊंचा सीट से मनोज पांडे का है, वो इसलिए क्योंकि हाल ही में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए इसी सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं मानी और उनकी जगह ऊंचा से मनोज पांडे पर ही दाव लगाया। समाजवादी पार्टी के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट को देखा जाए तो एसपी ने यादव उम्मीदवारों पर कम दाव लगाया है। इसके अलावा जहां पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फोकस ओबीसी, दलित और ब्राह्मणों उम्मीदवारों पर रखा गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।